वेलकम टू माय व्लॉग एंड द ट्रैफिक का यहाँ पे टाइम है। एंड जो लोग भी बोल रहे हैं ना गाइस कि डेली व्लॉग चालू करो यार, कैसा ना अपने पास कुत्ता है ना अपने पास पीयूष है, डेली व्लॉग में बोर हो जाओगे। एंड अभी तो मैं बता दूं, रामेश्वर आने के बाद ना अभी जो मोटा हो गया, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पतला हो जाऊंगा, लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस अपन ला रहे हैं। मतलब अपने को इतना ट्रैवल करना होता है बाहर ना, तो एकदम जब पतले लुखे से हो जाते हैं ना, तो लोग थोड़ा हल्के में लेने लगते हैं। तो मैंने बोला इस बार थोड़ा बॉडी बनाएंगे, तो अभी द प्रोसेस अपना चालू है जिम का ना, थोड़ा गेन करने का मसल वगैरह। एंड उसमें अपना कंप्लीट एकदम हाई प्रोटीन डाइट चल रहा है, बिलीव नहीं करोगे। विदाउट प्रोटीन पाउडर मैं 80 टू 90 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ दिन में, सिर्फ खाने से, अंडे से, मीट से, मच्छी से, ये से। तो आपको ही फॉलो कर रहा है, तो आज अपन पूरा दिन आपको बताएंगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ दिन में। बस एक प्रॉब्लम हो जाता है कि चार ही मील हो पाता है, बिकॉज मैं 10 बजे उठता हूँ, एक मील होता है मेरा 1 बजे, फिर दूसरा 4 बजे, 7 बजे और 10 बजे, जबकि 6 होना चाहिए। तो ये 120-130 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, बट 80-90 में मैनेज कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो जो हेटरेट फैला रहे हैं ना कि बीफ खाया, भाई वीडियो था तभी भी मैंने मेंशन किया था, अभी भी मेंशन कर रहा हूँ कि बीफ नहीं था, वो बफेलो मीट था। एंड बफेलो मीट को भी बीफ ही बोलते हैं। तो प्लीज़ यार गाइस, जो नफरत फैलाना चाहता है प्लीज़ थोड़ा कम करो। एंड जो सपोर्ट कर रहे थे ना, जिसको भरोसा था अपने पे, थैंक यू सो मच। तो देखो डेली लाइफ के वीडियो ऐसे होते हैं। अपन आ गए अपना जिम, अभी जिम करेंगे, निकलेंगे आज अपना द लेग डे है। और ये अपने चचा बैठे हुए हैं। सर क्या बना रहे हैं? बस वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि अंकल कितने अच्छे हैं। देखो अभी 10-15 दिन से मैं कर तो रहा हूँ डाइट फॉलो, आई थिंक अच्छा खासा गेन किया है मैंने, मसल क्या बोलते हैं, अभी एकदम पतला नहीं लगूंगा मैं। तो चलो गाइस अपना वर्कआउट खत्म करते हैं और फिर आपको मिलेंगे तो अपना फर्स्ट मील पे, घर पे आपको मिलता है। चलो देखो गाइज, अगर आप भी डाइट पर रहते हो ना, तो मेक श्योर करो कि अपना खाना खुद बना के खाओ, बिकॉज आपको पता है माँ का प्यार कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा करके घी ज़्यादा तेल ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैंडी रखनी है आपको प्रोटीन डाइट में। देखो दिस इज़ अपना नट्स का पूरा डब्बा, तो बीच बीच में जब भी भूख लगे खाते रहने का। ये आपको ट्रे रखने पड़ेंगे अंडे के, ये अभी मेरा अभी एक दिन में 10 अंडा खाता हूँ, तो एक ट्रे में 30 अंडे होते हैं, तो एक ट्रे 3 दिन चल जाता है अपना, डिपेंडिंग कि अगर कोई और नहीं खाए साथ में तो। अभी मैं बताता हूँ कि अभी का खाना मेरा क्या है फर्स्ट मील। ये देखो अपन ने ये बनाया है अंडा भुर्जी, दिस इज 3 फुल एग और 1 एग वाइट का, तो 4 अंडे का भुर्जी है। ये साथ में लौकी की सब्जी और दही, 2 रोटी खाएंगे अपन। एंड दिस इज अपना 2 किलो चिकन, ये चिकन आंटी आके बनाएगी और 2-3 दिन के लिए चल जाएगी। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि एक मील में कम से कम 20-22-23 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, तो ऐसे ही 4 मील करता हूँ तो 80 तक लगभग पहुँच जाता है। तो दिस वॉज दी फर्स्ट मील। एंड मैं अवॉइड करता हूँ कि दिन की 3-4 रोटी हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो अगर आपको वेट गेन करना है या मीन बॉडी बिल्डिंग करना है, या आप अगर गेनिंग में हो ना, तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अपने को डर्टी गेनिंग नहीं करना है, अपने को इतना भी वो बिल्डर नहीं बनना है, अपने को सिर्फ लीन मसल बिल्ड करना है। चलो पहला मील एंजॉय करता हूँ, मिलते हैं अपने द नेक्स्ट मील में। चले क्या, चलो देखो गाइस, ऐसे इतना हैवी खाना खाने के बाद ना आपको भूख तो नहीं लगती, बट प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना ज़रूरी होता है अपना। तो अभी तो सेकेंड मील है मेरा, फर्स्ट मील मैंने कुछ 1:30 बजे समथिंग खाया था, अब सेकेंड है, 4:30 बज रहा है और पेट इतना हैवी है, फिर भी खाना तो बनता है। तो सेकंड मील है अपना दिस 100 ग्राम पनीर, और देखो इसमें प्रोटीन अपने को 20 ग्राम तक मिल तो जाएगा,
पर मैं पनीर ऐसे कच्चा खा लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। वरना घर पे कोई भी ग्रेवी होती है उसमें डाल के खा लेता हूँ, तो पनीर चिल्ली बना के खा लेता हूँ। अभी देखो इसमें प्रोटीन तो मिल जाएगा लेकिन इसमें फैट भी अच्छा खासा मिलता है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आगे पीछे कुछ ना कुछ। मैं कच्चा पनीर ऐसे खा लेता हूँ, मज़ा आता है मेरे को। एंड ऑल्सो गाइस बीच बीच में फ्रूट्स वगैरह भी खाते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी 4:30 बजे हो गया, अभी 7 बजे एक और मील करना पड़ेगा अपने को। फिर मैं आजकल ये करता हूँ कि रात को जाता हूँ वापस से जिम, एंड एवरी डे 4 किलोमीटर भागने का मैंने टास्क रखा हुआ है। ऐसा लगता है अभी सुबह थोड़ा 6 बजे उठना पड़ेगा तो 1-2 मील और हो पाएगा, तब जाके 120 ग्राम 130 ग्राम प्रोटीन हो पाएगा। आपके अपना द पनीर इन्जॉय करता। अगर आपको बॉइल्ड चिकन पनीर वगैरह बनाने का कुछ वो भी चाहिए कि कैसे बनाता हूँ मैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको प्रोटीन इतना खाने का ज़रूरत होगा, ये वो मसल बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। बट कैसा होता है ना, कभी कभी जो एकदम पतले लुखे लोग होते हैं ना, वो लोग अगर थोड़ा उनके बॉडी पे फैट भी आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि बॉडी बना लिया है लोग ने, बट वो मसल नहीं होता है। तो अपने को मसल के लिए तो अपना तो बॉडी ऐसा है कि अगर मैं काप्स खा लूँ ना दबा के दिन रहा तो ऐसा सूज जाऊँगा एकदम, इतना खतरनाक होता है। लेकिन वेट फिर लॉस भी हो जाता है। तो अपना पनीर एंजॉय करते हो, 3rd मील पे मिलते हैं अपन। भाई दिस इज अपना 100 ग्राम्स चिकन, इसमें भी ऑलमोस्ट अपने को 20 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा। सो दिस इज अपना 3rd मील एंड सुबह एक, दिन को एक, आई मीन दिन को एक, शाम को एक, और अभी एक 3 मील हो गया, तो 60 ग्राम प्रोटीन हो गया है इसको मिला के। अभी लास्ट में एक और मील होगा 20 ग्राम, तो ऐसे में 80 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। एंड अभी ये खाने के बाद अपन 2 घंटे के बाद जाएंगे जिम वापस, फिर 4 किलोमीटर भागेंगे, फिर आके रात के लिए अपना द सिंपल रखेंगे द बॉइल्ड एग और वो खा के ख़त्म करेंगे। हाँ आप लोग सोच रहे होंगे इतना मसालेदार चिकन खा रहा है, चलता है यार, ऊपर नीचे थोड़ा मोटिवेटेड रखने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है। अगर बॉइल्ड ऑयल खाना चालू कर दोगे ना तो फिर 4 दिन में उब जाओगे, फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। चलो खाते फिर अपना चिकन। वैसे देखो वैसे तो अगर आप एक बार जिम कर रहे हो तो एक ही बार सुबह जिम करने का 10 मिनट आप अपना कार्डियो कर लो तो वो सही है। बट कैसा है ना, आपने देखा होगा मैंने भुर्जी एंड द चिकन भी कहा है, वो मेरा मसालेदार है, तो मैं वो एक्स्ट्रा फैट स्टोर नहीं करना चाहता, तो मैं एवरी डे का 4 किलोमीटर भी भाग लेता हूँ। एंड द रात का द आखिरी मील अपना होता है इज़ द बॉइल्ड एग। ये देखो ये बॉइल्ड एग तुम एक दिन खाओ तो बिना ड्रेसिंग के खा सकते हो, लेकिन अगले दिन से खाओगे तो आपको कांदा टमाटर डालना ही पड़ेगा। मैं चाट मसाला ऊपर से डालता हूँ ताकि खाने में स्मेल ना आए और मन ना भरे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे दिन में 4 ही मील हो पा रहे जबकि 6 होने चाहिए। जल्दी उठना पड़ेगा 6 बजे सुबह, तब जाके 2 मील कम्प्लीट हो पाएंगे। चलो अपने अमेजिंग द अंडे इंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ आपको बाद में। सो गाइस ये जो डाइट था अपना ये था नॉन वेजिटेरियन के लिए, एंड इसके साथ मैं क्या क्या खाता बताता हूँ। मैं आपको दाल खाता हूँ, ग्रीन मूंग खाता हूँ, चना दाल खाता हूँ, सोयाबीन खाता हूँ, एंड ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपके जिससे आप प्रोटीन ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो। एंड एक एक चीज़ का प्रोटीन काउंट एंड कैलोरी काउंट वगैरह देख लिया करो गूगल करके, बिकॉज जब तुम यूज्ड हो जाओगे इसके तो तुम एक एक चीज़ को ऐसे देख के फिर खाने लगोगे। तो यही था, एंड ऐसे आपको डेली व्लॉग्स के कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, एंड अगर आपके दिमाग में और भी कुछ आइडिया है तो आप मेरे को बता सकते हो। एंड मेरा और भी रूटीन आपको देखना है, जिम में क्या करते रहता हूँ मैं, तो बताओ मेरे को कि आपको वो भी देखना है। तभी चलो अभी ये नॉर्मल वीडियो आज का अपन ऐसे ही ख़त्म करते हैं। एंड हमारे साथ आज बहुत टाइम बाद है अमा। ओ अमा कितने साल बाद देख रहे हो अमा को, बहुत साल हो गए। यो अमा का नोराई बहुत बढ़िया। अमा का डायलॉग पेटेंट है, बहुत बढ़िया। अमा को भी याद है अभी कि बहुत बढ़िया। तो चलो अभी हम उठे अभी नाश्ता करेंगे और जाएंगे। अमा तुम खाया ले आप खोला तू निर्खा के खाया हाँ निर्खा रहा है आप निर्खा हमारे खा ले
हाँ मैंने खा लिया है, मैंने नहीं खाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो अभी तो मिलते हैं बाद में गाइस। होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, अगर मजा आया तो पता है आप क्या कर रहे हैं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल प्रमोद रावत, याद है ना मैं। चलो चलो फिर, चलो 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 कनोरा मैं नहीं दिखे, मैं आप दिखे, आप दिखे, मैं आप दिखे, और चलो आप दिखे। बोलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।